हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, किस टाइप के हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? किस स्थान पर हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरम्भ हुआ है? देखो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं चेन्नई, गोवा, पणजी या फिर मुंबई। जी, इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखो इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, जो भारत का फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा मुंबई में आरंभ किया गया है, और भारत में 4 और 5 अक्टूबर को जो है मुंबई में अपने पहले NBA गेम की मेजबानी की गई। इस अवसर पर गेटवे ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% जारी किया गया था। सेकंड पे आ जाओ जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, RBI ने वित्त वर्ष 2019 और 20 हेतु इसके लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% प्रतिशत से घटाकर जो है कितने परसेंट कर दिया है? 6.5% किया है, 6.1%, 6.4% या फिर 6.7%। जी, ऑप्शन जल्दी से कमेंट करें। देखो इसका आंसर आपको बताऊं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.1%। जी, ऑप्शन नंबर बी देखो सही है। ओके, 6.1% जो RBI ने जो है पिछली बार GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% जारी किया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर मार्च में खुदरा महंगाई 6.5 जो है प्रतिशत से 6.7% के बीच रहने का अनुमान बरकरार रखा। RBI वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP का अनुमान रिवाइज कर 7.2% कर दिया है। थर्ड पे आओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर एक स्वचालित रियल टाइम फॉर्मेट स्मार्ट वॉच लॉन्च किया? जी बताइए, चंद्रशेखर की जयंती पर, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी कि 2 अक्टूबर को किया गया। जी हाँ, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, इस स्मार्ट बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम जैसे डिजिटल इंडिया, आधार और डिजिटल भुगतान प्रभावी निगरानी करना है। इसके अलावा जो है स्मार्ट बोर्ड केंद्र, राज्य या जिला विशिष्ट परियोजना के लिए नागरिकों को एकल खिड़की तक पहुंच भी प्रदान करेगा। यह मंत्रालय के अहम और उच्च प्राथमिक वाले कार्यक्रमों को वास्तविक समय पर गतिशील विश्लेषणात्मक परियोजना प्रदान करेगा। ओके, फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर। किस भारतीय क्रिकेट एक टेस्ट की दोनों पारियों में यानी कि चांस में जो है होने वाले इतिहास के भारतीय बल्लेबाज बन गए? रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली या फिर शिखर धवन। देखो इसका आंसर आपको बताऊं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहित शर्मा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट है। रोहित शर्मा से पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में आउट नहीं हुआ है। मैच की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज की गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने रोहित शर्मा को स्टंप आउट किया। रोहित शर्मा को पहली पारी में आउट करने वाले केशव महाराज जो है ने दूसरी पारी में भी उनका विकेट ले लिया।
क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्था ने म्यूचुअल फंड हाउसों का मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच यानी कि वाटरफॉल अप्रोच अपनाने के लिए कहा है? आरबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं मुझे। देखिए इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेबी। जी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके सेबी ने कहा कि जो है म्यूचुअल फंड्स और प्रतिभूतियां पर अपने पूर्ण स्वामित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत कम मात्रा में व्यापार किया। इससे बचने के लिए वाटरफॉल अप्रोच को अपनाना होगा। वाटरफॉल अप्रोच के तहत सभी व्यापारिक प्रभूतियों कारोबार निवेश में प्राप्त आय जो होगी या लगभग के आधार लाभांश के आधार पर ही तय किया जाएगा। सिक्स पे आओ, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को, 7 या फिर 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से गेस करके कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर आपको बताएं, इसका आंसर होगा 4 अक्टूबर। जी हाँ 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और बेहतर बनाना। विश्व पशु दिवस मनाने की शुरुआत स्त्री रोग विशेषज्ञ हेनरिक जिमरमन ने जो है की थी। इन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी के स्पोर्ट्स पैलेस में पहला विश्व पशु दिवस आयोजित किया। साल 1929 में जो है पहली बार इस कार्यक्रम को 24 मार्च की जगह 4 अक्टूबर को मनाया गया था। ओके सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस महापुरुष के जयंती पर एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड लॉन्च किया? जी इसके ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। इसके ऑप्शन हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ओके जी हाँ महात्मा गांधी, ये जो है आपको मैं पहले ही क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अटल नवाचार मिशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस आयोग ने भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार गति देने हेतु यूथ को लैब लॉन्च किया? नीति आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीति आयोग। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो है इस पहल के माध्यम से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो है नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई जैसे कई शहरों में युवा संवादों का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क के एक हिस्से के रूप में कार्य करेगी। यूथ को लैब राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार चुनौतियों का आयोजन करेगा। 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 10, 9, 7 या फिर 5। देखो इसका उत्तर आपको बता दूँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
यानी कि साथ। जी हाँ साथ। भारत और बांग्लादेश ने जो है 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जल संसाधन, युवा मामलों, संस्कृति, शिक्षा तथा तटीय निगरानी से संबंधी है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन तटीय निगरानी रडार स्टेशन लगाएगा। 12th क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महीने स्पिनर रिकॉर्डों की बराबरी की। अकीला धनंजय, मुथैया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस या फिर रंगना हिरात। देखो इसका आंसर आपको बताऊं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुथैया मुरलीधरन। जी हाँ, जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी ने जो है थ्यूनिश की डी ब्रून को बोल्ड करके यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 66 मैच में इस आंकड़े को छू लिया। वे सबसे कम टेस्ट में 350 विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले जो है गेंदबाज बन गए। 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री शहर के अनुसार किस साल तक आइजोल को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। ए है 2020, 2023, 2021 या फिर 2025। जिसको जिसको आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर आगे चलते हैं। देखो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है 2021। जी हाँ 2021 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गृह मंत्री शाह ने मिजोरम के आइजोल में नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने यह कहा कि मिजोरम में जो केंद्र सरकार लगातार विकास का काम बढ़ा रही है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया है। जी ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका उत्तर आपको बता दूँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। जी जो है पूर्व उत्तर राज्य में इस तरह की यह पहले अभ्यास है कि इस तरह का अभ्यास कठिन इलाके में सैनिक की गतिशीलता तथा संचार का परीक्षण करने हेतु तो किया गया था। यह युद्धाभ्यास 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह की यह पहली अभ्यास है, इस तरह को आभास अभ्यास कठिन इलाके में सैनिक की गतिशीलता तथा संचार का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। युद्धाभ्यास 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 15 15 है। हाल ही में किस अभिनेता की सर्वे समिति में भारतीय सेना में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान या फिर अनिल कपूर। देखिए इसका आंसर आपको बता दूँ, अमिताभ बच्चन। जी हाँ अमिताभ बच्चन। ये पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन में बॉलीवुड में 50 साल के पूरे कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करें और घर बैठे जो है ऑनलाइन क्लासेस देखें। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट करें, आपको जो है जिस टाइप की क्लासेस चाहिए वो कमेंट करें और आपकी जो भी समस्याएं हो उन्हें भी कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू।